बिहार में अप्रवासियों के आने के साथ ही कोरोना के मामले में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सोमवार यानी आज की हम बात करें तो 11 नए मामलों के साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 128 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। सभी अप्रवासियों से जुड़े ये मामले हैं। केवल अगर हम कल की बात करें रविवार को ही 85 अप्रवासियों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई थी। अभी तक की बात कर लें तो कुल बिहार में 707 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें रविवार तक मिले 175 अप्रवासियों शामिल हैं। रविवार को पटना के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है, जिसके साथ अब राज्य में अगर हम बात कर लें कोरोना से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 5 से 6 हो गया है। सोमवार यानी आज जारी स्वास्थ्य विभाग की अगर हम पहली रिपोर्ट के अनुसार आपको अपडेट दे दें तो खगड़िया से 5, बेगूसराय के 4 तथा बांका के 2-2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये ताजा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इसमें भी अधिकांश जो है लोग बताए जा रहे हैं वो अप्रवासी ही बताए जा रहे हैं। बांका की अगर हम बात करें तो जिसमें मिले संक्रमितों के अप्रवासी होने की पुष्टि वहां के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर महतो ने ही की है। रविवार को पटना जिले के बाढ़, अथमलगोला, बेलछी, आलमगंज और पंडारक से कुल 9 अप्रवासियों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई थी। और सभी अगर हम 3 दिन पहले ही इन जो प्रवासी लोग थे वो महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से बिहार लौटे थे। रविवार को पटना के अलावा 18 अन्य जिलों से 76 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें अगर हम बात कर लें तो नालंदा, मुंगेर से 11-11 और सहरसा और मधेपुरा से 7-7, बेगूसराय, भोजपुर, खगड़िया, औरंगाबाद से 1-1, दरभंगा, नवादा, अररिया, गया से 2-2, मुजफ्फरपुर, अरवल से 3-3 व्यक्ति, जबकि पूर्वी चंपारण से 4 और किशनगंज से 8 संक्रमित जो है व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी मिले की रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम भागलपुर से बात कर लें तो 9 और अगर समस्तीपुर से भी आपको जानकारी दे दे तो 1 व्यक्ति संक्रमित मिला है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात माने तो रविवार को जितने लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है सभी अप्रवासीय हैं, जो 3 दिन से 4 दिन पूर्व ही बिहार में लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में अब तक बाहर से जो भी लोग आए हैं उनमें रविवार तक कुल 175 पॉजिटिव केस जो है वो पाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 4 मई से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और सहित अन्य राज्यों से आने वाले 118 अप्रवासियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनमें महाराष्ट्र के 30, गुजरात के 22, दिल्ली के 8 और शेष अगर हम बात कर लें तो अन्य राज्यों के मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की बात अगर हम माने संजय कुमार ने, उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जो थे उनकी रविवार को यानी कल मौत हो गई है। पटना के निवासी उस मरीज को फेफड़े में संक्रमण के कारण 8 मई को ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वहीं और ताजा अपडेट के साथ अगर बता दें तो 36 लोगों के कोरोना को इस पूरे दौरान में उन्होंने पराजित कर लिया है, यह भी एक बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सचिव जो है लोकेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 36 कोरोना संक्रमितों ने इस महामारी को मात दे दी है। अब तक कुल 354 लोग इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में अभी भी अगर हम बात कर लें कोरोना के 314 एक्टिव मामले जो हैं वो सक्रिय हैं। उन्होंने बताया है कि 7 जांच लैब में अब तक 32,670 सैंपल की जांच हो चुकी है। तो ये ताजा अपडेट इस वक्त तक दसजी न्यूज आपको पहुंचाता रहा है। ताजा जानकारी जैसे ही हमारे पास मिलते रहेगी हम आप तक जरूर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक आपसे यही हम गुजारिश करेंगे कि आप अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरह से जो लोग बाहर से लौट रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, किस तरह से बिहार में एक बार फिर से बम फूट रहा है कोरोना का, तो इसमें सबसे ज्यादा एहतियात की जो जरूरत है वो ये है कि आप लोग अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।